गुड मॉर्निंग एवरीवन। और ये देखिए, आज की सुबह तो बहुत ही ज़्यादा बिजी होती मेरे लिए। आज मैं आई हूँ देव को डॉक्टर को दिखाने, क्योंकि देव को फीवर आ रहा था कल सुबह से। तो ये देखिए, सब लोग वेट कर रहे हैं, मैंने भी अपना नंबर लगा दिया है। तो हम लोग यहाँ आए हैं सिटी सेंटर पे। और सुबह से ना, मतलब कल से, मैं आपको बार बार बता रही थी कि देव को फीवर आ रहा है, तो मैं आई थी डॉक्टर के पास। तो यहाँ पे जो महरा है सिटी सेंटर में, मैंने उनको दिखा दिया है। अभी क्या है, इसको दवा खानी है, और इसको पता नहीं क्यों कुछ चीज़ें इसको याद रहती है खाने में, तो ये एकदम सही है ही है। मैंने बोला सैंडविच खाना है, मैंने कहा चलो यार बहुत दिन हो गए इसको, चलो बाहर सैंडविच खिला देते हैं। ये देखो, हाँ किंडर जॉय भी खिला देंगे। तो हम लोग आ गए हैं, यहाँ पास में ही है, गोविंदपुरी में ही पड़ा मैं, और गोविंदपुरी में ही वही हमने डॉक्टर को दिखाया था। तो जस्ट हम लोग आ गए, और भी उठ रहे हैं सुबह के 11:30। उसके बाद जाना है स्कूल, तो मैं इसकी आ रही है सैंडविच, तो मैंने अपने लिए कॉफ़ी ऑर्डर कर ली और एक पाव भाजी। आप बोलोगे सुबह सुबह से देख लो इन्हें, ठीक है यार, मदर्स को भी ऐसा नहीं है कि बच्चों के साथ आप कुछ और कर नहीं सकते। जब आपको टाइम मिले तब आप इंजॉय करिए। तो अभी हम लोग वेट कर रहे हैं, हम लोग वेट कर रहे हैं अपने अपने नाश्ते का, और आप लोग भी बताइए, फिर चलते हैं स्कूल। और वेट गया है स्कूल। और ये देखिए, देव के वेज चीज़ सैंडविच आ गए हैं। आहा। और मैंने लिए है अपने लिए कॉफ़ी, मेरे को यहाँ की पसंद है, देखिए। और ये देखिए, शाम का समय हो गया है, तीनों बच्चे खेल रहे हैं। और ये देखिए, बम बम भोले डांस मैंने लगा दिया था, तो ये वेद एकदम खुश हो रहे थे, इसको बहुत पसंद है इसमें करना, इस सॉन्ग में। और देव इधर अपनी कार ला रहे थे, तो बार बार कह रहे थे चार्ज नहीं है, इसको चार्ज कर दो, मैं भूल गई थी। ये देखिए, तो देव इधर खेल रहे हैं और उधर बैठी हुई है। तो ये बच्चे, इन लोगों ने होमवर्क कर लिया था अपना, उसके बाद खेल रहे थे। और आज अब जाके शाम को देव ने थोड़ा सा कुछ खाया है, इसको देखिए। और अभी बज रहे हैं शाम के 7:30, और आप देख रहे हो कैसी हालत हो रखी है। अभी मैं इन लोग का ना होमवर्क करा के उठी हुई हाँ ठीक है, नहीं करेंगे। और इधर ये देखिए, आरू आ गई है, तो मैंने थोड़ा टीवी चला दिया है कि चलो थोड़े से बच्चे ना टीवी देख लेंगे। और आज क्या है, निक्की है, मिस मैं जो देवर है ना, उसका आज बाहर खाने का मन था। तो आज मतलब मेरे लिए बहुत रिलैक्सिंग फीलिंग है कि आज खाना वाना कुछ नहीं बनाना है, और आज सब लोग बाहर के लिए तैयार हो रहे हैं। तो अभी बचा है 7:30, और हम लोग जाएंगे 8:30 तक जाएंगे बच्चों के साथ, तो थोड़ा टाइम लग जाता है, और फिर टाइम से वापस आ जाएंगे। और आज अभी क्या, देव की मैंने सुबह आपको दिखाया था, तो अभी देव की थोड़ी, जब से डॉक्टर के पास से दवा लेके आई हूँ, तो उसकी ना थोड़ी तबीयत सही है, बट फिर भी वो डॉक्टर कह रहे थे शायद सर्दी लग गई। आप पता नहीं है, मतलब इतना तो हम लोग उसको पहना के रखते हैं, वो क्या है, जो जाती हुई सर्दी होती है ना, इसमें शायद जल्दी ज़्यादा इफेक्ट करता है। और मैं सोच रही हूँ सही हो जाए, क्योंकि ना फिर परसों शादी के लिए भी निकलना है, तो थोड़ा सही रहेगा, क्योंकि बच्चों को अगर थोड़ा सा भी बीमारी या कुछ भी हुए ना, तो फिर अपने को बहुत टेंशन हो जाती है कि कैसे क्या हो। और अभी स्कूल से जब से मैं आई हूँ ना, तब से मैंने अपनी ये कुर्ती नहीं उतारी है, इतना ज़्यादा हो गया था काम। और ये देखिए, मैं वीडियो बनाती हूँ तो ये भी चल के आ जाती है। क्या हो रहा है, बाय बाय, इसको भी ज़ुकाम हो रहा है, बाय बाय। ऐसे तो हम लोग निकाल लिए, ये देखो बाय बाय। हाँ तो मैंने आज निकाली, फिर हम लोग गए थे आज लॉकर भी कहते, वही थोड़ी बहुत ज्वेलरी वेलरी निकालनी थी, मैंने बताया था वहाँ की शादी के लिए। अब अभी कुछ डिसाइड, अभी पता है अभी तक, लेकिन नीला डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि हम लोग कब निकलेंगे, कैसे कब पहुँचेंगे। कानपुर कह रहे हैं कि पास रहेगा तो कानपुर रुक जाते हैं, मतलब मेरे मायके घर पे, थोड़ा बच्चों की वजह से कंफर्टेबल हो जाएगा। तो अभी ये कुछ फाइनल नहीं हुआ है कि हम लोग कब निकलेंगे या कहाँ डायरेक्टली जाएंगे, वो तो ना परसों ही पता चलेगा, क्योंकि सैटरडे ऑफ होता है। ओह कारी ऐशे, इसको देखिए ऐशे, अच्छा रेडी होना है, ये खड़े होना सीख रही है, एकदम मस्त सी ऐसी रहती है। तो बस चलिए तैयार होते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि कहाँ जा रहे हैं। बाला लो बाला, हाँ आपको दिखाते हैं कहाँ जा रहे हैं, और फिर आपको आपसे मिलते हैं रात में। और सब लोग जा रहे हैं, और आरू ने देखिए वाइट वाइट एकदम ड्रेस पहनी है। आरू ये देखो आरू के न्यू सैंडल। और ये तो देखिए, देव ने तो अपनी कश्मीरी पहनी है, और वेद ने ना अपना स्कूल बैग पहना है। अच्छा ये बियर वाली है।
और वेद इधर देखो जरा, वेद अपना लिटिल मिलेनियम का बैग कैरी करके डिनर करने जा रहे हैं होटल में। लो देखिए, और जगह इतने बच्चे बैठ गए, जगह कम पड़ गई थी तो नीचू बैठी है, पीछे डिग्गी है। ये देखो अभी बैठी है, ये आगे निक्की बैठे है। और ये देखिए हम लोग आए हैं होटल ग्वालियर रिजेंसी, यहीं से हमारी शादी हुई थी तो बहुत दिन बाद हम लोग यहाँ पे आए हैं। नीले बोले यहीं पे चलते हैं चलो। और ये देखिए निशु जा रही है, और वेद को पता नहीं क्या हो गया आज, वो लिटिल मिलेनियम का आज उसने बैग नहीं उतारा है, वो होटल पे खाना खाने में लिटिल मिलेनियम का बैग लेके गया। ये देखिए मैं कह ये अच्छा प्रमोशन कर रहा है। वाइट वाइट सी लग रही है किधर बेटू। हाँ तो पाँच छह। और ये देखिए सब बैठ गए हैं, आरो भी बिल्कुल इंटरेस्ट से बैठी हैं। और इधर हम लोग सोच रहे थे स्टार्टर ऑर्डर करें, और ये देव कह रहे थे मैंने बुआ की सेल्फी ले ली है, तो देव उसमें ही खुश थे। और इधर निलय में कुछ मेनू में देख रहे थे कि क्या मंगाएं। आज एक्चुअली हम लोग का सिजलर खाने का मन था, बहुत दिन हो गए थे। और ये हमारा सिजलर आ गया है, हम लोग ने मंगाया था चीज वेजी सिजलर, और बहुत ही टेस्टी था, एक्सपेक्टेड नहीं था। लेकिन विद नूडल्स हमने मंगाया था, विद राइस नहीं मंगाया था। तो ये देखिए, तो बस हम लोग लास्ट में हम लोगों ने काफी स्टार्टर खाना खा लिया था, ये सिजलर आया था, तो बस लास्ट में हम लोग वही खा रहे थे। और यहाँ पे एंड ही होगा, बच्चों भी पेट भर ही गया है, सूप पी लिया है इन लोगों ने। और आरुना बहुत परेशान कर रही थी, परेशान किया, बच्चों की नींद का टाइम हो रहा था। तो बस हम लोग अब घर निकलने वाले थे, तो बस ये फिनिश करके हम लोग घर के लिए निकलेंगे। और बस हम लोग जस्ट आते जा रहे हैं, वापस आ गए हैं। और आज ना बच्चों ने हद परेशान कर लिया, मीन्स कभी कभी नहीं करते हैं, बट आज आरू भी थी तो बच्चे ही हैं, नींद का टाइम हो रहा है, 10 बज रहे हैं, तो आज बहुत परेशान कर लिया। अब हम लोगों ने बोल दिया नहीं, अब हम नहीं जाएंगे साथ में, मीन्स खाना भी नहीं सही से खा पाओ, तो जल्दी जल्दी बस खाया है। तो चलिए मैं आज का ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे कल। और आप लोग अच्छे रहिए, कमेंट करते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। और ये देखिए यानी कुर्ती मैंने ली थी, ये भी मैंने अमेज़ॉन से ली थी, बट चलिए मिलते हैं कल, बाय बाय, गुड नाइट।